एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में स्थित आशाराम के आश्रम में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर डाली। चल रहे सत्संग में बाधा डाली गई, लेकिन सहायक प्रबंधक ने 8 नामजद और 6-7 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। इसमें मथुरा के स्वामी अमृतानंद सहित दिल्ली महाराष्ट्र के लोगों को षड्यंत्रकारी बताया गया है। लखनऊ के आश्रम में रहने वाले नारायण पांडे ने बताया कि वह आश्रम के लखनऊ मुख्यालय के सहायक प्रबंधक हैं। उनको लखनऊ के अलावा आगरा और आसपास के जिलों में स्थित आश्रमों की देखरेख की जिम्मेदारी मिली है। 24 अप्रैल को दोपहर के समय एटा में FCI गोदाम के पास नंगला कंचन में आशाराम के शिष्य वासुदेव नंद का सत्संग व भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान 10-15 लोग पहुंचे, आशाराम को लेकर सवाल जवाब करते हुए सत्संग कार्य में बाधा डाल दी। श्रद्धालुओं ने विरोध किया तो अभद्रता कर मारपीट करने लगे, माइक आदि सामान तोड़ दिया और कुछ सामान चोरी भी कर लिया। बताया गया कि हंगामा होते देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचते ही ये सभी लोग भाग खड़े हुए। नारायण पांडे ने बताया कि पूरा षड्यंत्र स्वामी अमृतानंद उर्फ बाबा आनंद गोपाल उर्फ आनंद दास निवासी रमण रेती आश्रम गोवर्धन मथुरा, राहुल जोशी निवासी शांतिनगर जिला महाराष्ट्र और मधुकर प्रभाकर निवासी साउथ दिल्ली का है, जो आशाराम से हमदर्दी जताकर उनके आश्रमों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से सोशल मीडिया पर इन लोगों ने अभियान छेड़ रखा है। इन पर कई जिलों में FIR दर्ज कराई जा चुकी है। एक दिन पहले आगरा में भी सत्संग कार्यक्रम के दौरान इसी तरह की हरकत कराई गई थी। CO सिटी विक्रांत द्विवेदी ने बताया कि आश्रम पर कुछ हंगामा होने की सूचना दी गई थी। जो तहरीर मिली उसके अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है, साथ ही ऐसी पुनरावृत्ति न हो इस पर विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश कोतवाली देहात को दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस।